अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त मोहम्मद शान एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन चैनल में एक नई वीडियो और अपडेट के साथ। दोस्तों, चीनी की कीमतों में आज फिर कमी आ गई, नए रेट क्या है, तमाम शुगर मिल्स की अपडेट मेरे पास मौजूद है। क्या दोस्तों इस कमी के बाद मजीद रेट्स भी कम होने वाले हैं? तो मैं आपको कुछ ऐसी अपडेट देने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा रखती हों। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मुसलसल ऊंच नीच आ रही है रेट में, तो आज भी इस तरह हुआ कि कल जो रेट्स मैंने बताए थे उसमें आपको जो रेट्स बताए गए थे उसमें तेज़ी थी। बहरहाल आज जो रेट्स मैंने आपको बताए हैं तो उसमें वाजे 30 से 40 रुपए की कमी नज़र आ रही होगी आप लोगों को। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं कि इस साल जो रेट्स की बात की जाए तो हर एक चीज़ों के रेट्स पहले तो आसमानों पे चले जाते हैं, फिर डाउन हो जाते हैं, और कभी ऐसा वक्त भी आ जाता है कि कई दिन मुसलसल मंदी का शिकार रहते हैं रेट्स। तो अब चीनी के रेट्स भी इसी तरह हो रहा है कि रोज़ाना कुछ ना कुछ चेंजेस होती रहती हैं। पंजाब की शुगर मिल्स में तो ज़्यादातर कमी ही कमी रहती है, और कुछ ऐसी शुगर मिल्स भी हैं जिनके रेट्स में ज़्यादातर इजाफा रहता है। तो आज के जो रेट्स हैं तो उनकी तरफ चलते हैं कि सबसे पहले है JDW से JDW का रेट तकरीबन 40 से 50 रुपये तक कम हो गया है, और अब 78.30 है गोल्ड की, 78.75 AKT, 78.30 हमजा, 78.70 यूनाइटेड, 78.30 हुसैन, 81.51 स्टार, 8085 इंडस, 79.30 अबाकर, 80.90 रहा, 78.40 आदम, 79.75 JK, 79.75 अलबास, 80.25 जोराबाद, 81.20 अलरबिया, 80.75 कमालिया, 79.75 अलमोईस, 8000 कंजवानी, 8000 अल्लूर, 8000 कश्मीर, 79.75 अलैंस, 78.80 कैपुर, 79.25 आर्मी, 81.25 किसान, 80.90 अशराफ, 79.50 लगिया, 79.75 बाबा फरीद, 80.50 मटियार, 81.100 महलोल, 80.75 मेहरान, 80.25 चिनार, 80.75 मीरान, 79.25 चश्मा वन, 8000 मीरपुर, 80.80 चश्मा टू, 80.25 यानी चश्मा टू चश्मा मन से 25 रुपये रेट ज़्यादा है, पतों की 80.50 दरिया खान, 80.25 पॉपुलर, 80.80 दरिया खान, 80.75 नहर की, 78.50 आरवाई के, 78.75 फरहान, 80.40 रानीपुर, 79.100 फातिमा, 79.25 सफीना, 80.75 रेट्स चल रहे हैं शुगर मार्केट्स में। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं कि रोज़ाना हर चीज़ के रेट्स में रद्दबदल होती रहती है। तो आप भी कोई चीज़ परचेज करें, पाम हो, चीनी हो या कुछ और चीज़, तो देखभाल कर और मुनासिब मतलब उनका स्टॉक परचेज करें ताकि आइंदा आने वाले वक्त में आपको परेशानी का सामना ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो और अपडेट बेहद पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।